हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस प्लांट के बारे में बात कर रही हैं उसका नाम है अपराजिता। बहुत ही खूबसूरत सा नाम है, शंख पुष्पी और विष्णुकांता। विष्णुकांता इस प्लांट का नाम इसलिए है क्योंकि भगवान विष्णु को ये पौधा बहुत प्रिय है। इस पौधे को आध्यात्मिक दृष्टि से और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस पौधे को लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का वास होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को भी ये पौधा बहुत पसंद है। इस पौधे के फूल पूजा के काम आते हैं, तो इसलिए इस पौधे को जब भी लगाएं और जब भी रखें तो इसकी दिशा ईशान कोण या उत्तर दिशा में लगाएं, क्योंकि वो दिशा एक शुभ दिशा मानी जाती है। अपराजिता का पौधा एक परमानेंट प्लांट है और ये एक बेल के रूप में बढ़ता है। बेल को सपोर्ट देने के लिए मैंने इस प्लांट को धागे के साथ, दीवार के साथ बांधा हुआ है, और ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करे इसलिए मैंने इसे एक 12 इंचिस के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो छोटे छोटे साइज़ में होती हैं और इसमें नीले रंग का फूल खिलता है। बहुत ही खूबसूरत शेप है इसके फूलों की, छोटे छोटे से इसके फ्लावर्स होते हैं। एक दिन के लिए फूल खिलते हैं, सुबह खिलते हैं और शाम तक बंद हो जाते हैं इसके फूल। अपराजिता के पौधे में नीले रंग और सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और इसमें एक पंखुड़ी वाला और दो पंखुड़ियों वाला फूल आता है। मेरे पास ये नीले रंग का और एक पंखुड़ी वाला ही फूल है। ये पौधा गर्मियों का पौधा है और बात करें पानी की तो इसे मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। इसकी जो मिट्टी होती है गमले की, क्योंकि मैंने इसे गमले में लगाया हुआ है, तो मिट्टी इसकी थोड़ी सी नमी बनी रहनी चाहिए इसकी मिट्टी में, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ पकड़ता है। मिट्टी सौगी नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह की मिट्टी में ये बड़े आराम से लग जाता है। इस पौधे को ज़मीन में भी लगाया जाता है। अगर ज़मीन में लगाएंगे तब तो ये पौधा बहुत तेज़ी से फैलता है। इस पौधे की मिट्टी बनाने के लिए मैंने एक हिस्सा गार्डन सॉइल लिया था, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट। अगर सैंड नहीं है तो एक हिस्सा कोकोपीट भी मिला सकते हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। प्लांट पे कई बार इंसेक्ट अटैक करते रहते हैं, इसलिए मिट्टी बनाते वक्त एक मुट्ठी नीम की खली भी मिला दें। इस पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक गर्मियों का पौधा है। मैंने इस पौधे को छत पर रखा हुआ है जहाँ पर इसको बहुत अच्छी धूप मिलती है और तभी इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। पूरी गर्मी ये प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करता है, बस जब ठंड बढ़ने लगती है तब ये थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है और पत्तियाँ भी थोड़ी झड़ जाती हैं, लेकिन ये प्लांट बना रहता है और जब फरवरी मार्च आता है तब इसकी नई नई शूट निकलती हैं और फिर ये अप्रैल से बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग कर देता है। फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इस प्लांट को मैं हर 15 से 20 दिन के बीच में मैं इसको उपलों की लिक्विड खाद देती हूँ। विंटर्स आने वाली हैं और विंटर्स में इन पौधों को कोई खाद नहीं दी जाती, इसीलिए यही समय होता है जब हम अपने सभी पौधों को स्लो रिलीज खाद डालते हैं, जैसे या तो उपलों की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो वो मैंने बाकी पौधों के साथ साथ अपने इस पौधे को भी दे दी है। साल में बस 2 बार ही खाद देनी होती है, एक बार फरवरी में और एक बार सितंबर में। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ज़रूरी बातें अपराजिता प्लांट के बारे में। अगर आपने अभी तक इस पौधे को अपने गार्डन में शामिल नहीं किया है फ्रेंड्स, तो इस दिवाली आप ज़रूर ये पौधा नर्सरी से लेकर आएं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का प्रिय पौधा अपने घर पर लगाएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।
मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।